हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर क्लास क्यों नहीं आ रही है। तो आज से आप लोगों की सारी क्लास स्टार्ट होने वाली है और आज का ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी में 95/100 यानी कि आप 100 में 95 ला सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। छोटे से छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारा टॉपिक सिर्फ एक ही वीडियो में रहेगा, यानी कि हमारा जो पूरा बुक है ना, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक ही वीडियो में आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। पूरे बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये है क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में सारे स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, और आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो फरवरी लास्ट में है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको अपना टारगेट लेकर चलना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो इसलिए हम लोग हिंदी का जो 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 70 के 70 नंबर इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आप 70 में भाई 65 ला सकते हो, 60 ला सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब आपका 90% तो फिक्स है कि आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और वो क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा, ठीक है। 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग सोच रहे होंगे कौन कौन सा टॉपिक समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहले आपके हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, सिर्फ एक ही वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण गद्यांश को भी हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश को भी डिस्कस करेंगे, जो आपका 6 मार्क्स का आता है। ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये वीडियो देखो यार, आप 90% लाओगे। महत्वपूर्ण आपका संस्कृत में जो गद्यांश होता है, जो भाई 5 मार्क्स का आता है, उसको भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब महत्वपूर्ण जो आपका संस्कृत में गद्यांश होता है, महत्वपूर्ण संस्कृत में जो पद्यांश होता है जो 5 मार्क्स का आता है, उसको भी हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स। महत्वपूर्ण श्लोक जो 2 मार्क्स का आता है, इसी वीडियो में बताऊंगा। महत्वपूर्ण जीवन परिचय कवि और लेखक का मिलाकर 10 मार्क्स का क्लास 10 हिंदी में आता है, तो 10 मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। और हमारा महत्वपूर्ण निबंध जो आपका 7 मार्क्स का आता है, इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। तो ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी मदद मिले। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को कर देना। और ये हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा ही, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 हिंदी के लिए, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सके, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की कला अवधि है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। एक आपका समय सीमा, जिसे कला अवधि कहते हैं या फिर समय सीमा कहते हैं, वो जरूर आता है। शुक्ल युग का है या फिर किसी और का है, एक दो आप ज्यादा तैयार कर लेना, 2-3 कम से कम तैयार कर लेना, जो इनकी कला अवधि होती है, समय अवधि, ठीक है। ऑप्शन का है 1850 से 1900 तक का है, 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो अगर आपसे शुक्ल युग की, यानी कि शुक्ल युग की कला अवधि पूछा जाए, तो याद रखना 1919 से 1938 तक होता है, ठीक है। मतलब आपका यहां 19 का आप 2 गुना करोगे, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 1919 से 1938, आप थोड़ा सा ट्रिक भी याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कृति कंकाल। देखो यहाँ एक शब्द आया कंकाल, तो कंकाल जो है वो किसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। जो कंकाल है, आप लोगों ने ये रचना जरूर याद किया होगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो ये रचना जरूर आया होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामकुमार वर्मा या मैथिली चरण गुप्त। तो कीर्ति कंकाल जो है, कंकाल के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं कंकाल के लेखक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रस मीमांसा के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट,
जो रस मीमांसा इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है रामचंद्र शुक्ल या गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। आई होप कि सारे स्टूडेंट को पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यार आपको जीवन परिचय में पहले चैप्टर में मिल जाएगा, साथ में आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ो और मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको याद करो, और फिर आप लोग देखो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो हमारे रस मीमांसा के रचनाकार हैं, और पहला चैप्टर आपका क्लास 10 हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता चैप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि उपन्यास जो है भूले बिस्तर चित्र के लेखक हैं। एक हमारा जो ये भूले बिस्तर चित्र एक रचना है जो किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर। किस विधा पर? उपन्यास। आगे सामने लिखा हुआ है उपन्यास, यानी कि उपन्यास विधा पर है। तो इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो कौन है? प्रेमचंद्र है, भगवती चरण वर्मा है, या फिर हमारा यशपाल या वृंदावन लाल? तो भैया ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक दो बार पढ़ाया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भूले बिस्तरे चित्र हैं उसके जो हमारे हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन है? भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर गा सॉरी खा वाला हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आकाशद्वीप के रचनाकार हैं। आकाशद्वीप जो है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है अमरकांत, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या जयशंकर प्रसाद निराला। तो आप लोग बताओ कि आकाशद्वीप जो है उसके लेखक कौन है? अभी आप लोगों को मैंने एक पढ़ाया कृति, कृति मतलब कंकाल, कंकाल के रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद। तो देखो मैं आपको कुछ इनकी रचनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कंकाल है, तितली है, झरना है, साथ में आपका आकाशद्वीप है, एंड इनकी दो नाटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चंद्रगुप्त एंड भैया स्कंदगुप्त। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आप जयशंकर प्रसाद जी की याद कर लो, फिर आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं नहीं याद करनी पड़ेंगी, इससे बाहर आता ही नहीं है। ठीक है, तो आकाशद्वीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि कलम का सिपाही जो रचना है उसके लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद्र, या वैद्यनाथ मिश्र। तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है हमारे देखो कलम का सिपाही, कलम के सिपाही के जो लेखक हैं वो है, कलम जो है एक अमृत होता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो फ्यूचर बनाता है, तो उसके लेखक जो है अमृत राय। ठीक है, तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 7 है मोहन राकेश के लेखक का नाम, मोहन राकेश इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? ठीक है, मोहन राकेश, प्रेम घन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस, देखो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? इसमें दो नाम है लहरों के राजहंस, देखो लहर एंग राजहंस। तो इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उनका भी दो नाम है मोहन राकेश। देखो मोहन एक अलग सा नाम है, राकेश एक अलग है, बट इनका दोनों एक ही नाम है मोहन राकेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? ठीक है, त्यागपत्र जो है देखो आपको विधा बताना है, देखो इसके राइटर आपको नहीं बताना, आपको विधा बताना है। ठीक है, देखो विधा भी आपका बहुत ज्यादा आता है, जैसे आपका आता है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, तो अगर आपको पता है तो बताओगे, वरना फिर नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार करो साथ में कि किस विधा की रचना है। अगर आप बुक में देखोगे तो आप में एक राइटर का कॉलम बना रहता है, एक आपका जो इसके रचना होता है, एक विधा का भी अलग से कॉलम बना होता है। ठीक है, देखना, तो वो आप लोग विधा भी तैयार करो साथ में जो इंपॉर्टेंट है। तो त्यागपत्र हमारा किस विधा की रचना है? त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है, जो आपको भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनके द्वारा जो हमारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के उद्यूप। तो वो है बच्चा ठूठा आम। ठीक है, ठूठा आम जो है वो है भगवत शरण उपाध्याय जी का रचना, या फिर भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित निबंध। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान दो, यहाँ लिखा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं जो है वो किस साहित्य की विधा है? जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, नाटक, तो किस विधा की रचना है? तो भैया जो हमारा स्मृति की रेखाएं हैं वो हमारा किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की? संस्मरण विधा की। अब आप लोग छोटा सा काम करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि स्मृति की रेखाएं जो है वो किसकी रचना है। ठीक है, आप लोग जरूर बताना ताकि आपका नॉलेज जो है वो बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं तो आपका एक से दो क्वेश्चन साथ में तैयार होता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध या नागार्जुन? तो साकेत महाकाव्य की रचना माय डियर स्टूडेंट मैथिली शरणगुप्त जी ने किया था। किसने किया था? मैथिली शरणगुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। ये साकेत महाकाव्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरणगुप्त जी का। तो आप जरूर तैयार करना है सारी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो रामचंद्रिका रचना है उसके लेखक कौन है या फिर उसके रचनाकार कौन है? बिहारी लाल जी हैं, केशव दास, भूषण या मती राम? तो 12 नंबर क्वेश्चन में जो रामचंद्रिका है उसके जो राइटर हैं वो हैं केशव दास जी। कौन है? केशव दास जी हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रयोगवादी, देखो बहुत सारी आपकी प्रयोगवादी एक है रीति काल, प्रगतवादी काल, ठीक है, बहुत सारे होते भक्ति काल, तो ऐसे में आपको प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। रीति काल की भी बहुत ही ज्यादा आता है, ध्यान रखना, रीति काल का तो आपका बहुत ही ज्यादा आता है। पहले जब ऑब्जेक्टिव नहीं होता था तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता था 2 मार्क्स का कि भाई विशेषता लिखना है, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण समाज में, यथार्थवादी चित्रण नारी की प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, तो इसमें हमारा दोनों ऑप्शन से एक का और खा, क्योंकि यहां हमें 2 बताना है। देखो आपके पेपर में एक ऑप्शन गा वाला रहेगा कि ऑप्शन का और खा दोनों, ये जरूर रहेगा, तो अगर ऐसा रहेगा तो आप इस पर टिक लगाना। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैंने देखा है पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकाल के कवि कौन हैं इन चारों में से? केशव भट्ट या जायसी, पद्माकर या कृष्णदास? तो क्वेश्चन नंबर 14 का है पद्माकर। कौन है? पद्माकर जो है वो रीतिकालीन कवि हैं। कौन है? रीतिकालीन कवि। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखो 15 नंबर, ठीक है, कि निम्न में से रीतिकाल का कलावधि है। रीतिकाल देखो मैंने बताया था ना अभी, मैंने इससे पहले एक शुक्ल युग की कलावधि बताया था जो कहा था मैंने कि बोर्ड एग्जाम में आता है, अब यहाँ रीतिकाल का आ गया। अब रीतिकाल का आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर का है कि 1643 से 1843 तक, खा है 1343 से 1643 तक, गा है 743 से 1343 तक, या घा है 1843 से अब तक। तो देखो हमें रीतिकालीन बताना है। ठीक है, अगर आप रीतिकाल के किसी भी कवि जानते हो ना, कवि को मतलब रीतिकाल के, और उनका आप ये जानते हो कि भैया उनका जन्म कब हुआ, तो आई होप कि आप गेस कर सकते हो कि इसके बीच में हमारा क्या है, रीतिकाल है। जैसे हमारा ये 1643 से 1843 तक है, ठीक है, तो इसमें जो रीतिकालीन कवि है वो इसके बीच में ही है। ठीक है, तो ये हमारा है 1643 से 1843 तक हमारा है रीतिकाल का कलावधि। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से छायावादी युग के कवि हैं, छायावाद युग के कवि कौन हैं? ऑप्शन नंबर का है सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल कुतुबन। तो जो छायावादी युग के कवि हैं वो कौन है? तो वो हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जो है वो एक छायावादी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, जो आंगन के पार द्वार है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर का है धर्मवीर भारती, खा है सचिदानंद, हीरानंद वत्सन अग्गे, मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी? तो भैया आंगन के पार द्वार है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है सचिदानंद, हीरानंद, वत्सन अग्गे। कौन है? सा ही वा अग्गे, इसका फुल फॉर्म होता है सा से सचिदानंद, है से हीरानंद, वा से वत्सन, आ से अग्गे। ठीक है, तो अगला है मार्डर स्टोन, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया ना,
ये एक बार क्वेश्चन मैंने बताया है अभी, बट चलो ठीक है। साकेत महाकाव्य किस युग की रचना है, हमें राइटर नहीं बताना है। हमने उस क्वेश्चन में भी देखा था कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, वो तो मैत्रेय शरणगुप्त, लेकिन इसमें आपको युग बताना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा इसमें ये पूछ रहा है मॉडल स्टूडेंट कि साकेत किस युग के रचना है। तो अगर आप मैथिली शरणगुप्त के राइटर हैं, अब उनको आप ये जानते हो कि भैया ये किस युग के हैं, तो आप बता दोगे भाई साकेत किस युग की रचना है। भारतीय द्विवेदी युग, प्रगतवादी, छायावादी, तो मैं आपको बता दूं जो साकेत है वो हमारा द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है। जो हमारा साकेत महाकाव्य है वो हमारा द्विवेदी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, लोकायतन का रचनाकार है, लोकायतन एक रचना है, इसके रचनाकार, इनके राइटर का नाम बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हमारे सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? उसके हैं भैया सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। ये सारा क्वेश्चन आप अपना एक नोट्स बनाओ, छोटा सा सारा नोट करो, अच्छे से तैयार करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने इन सबको तैयार कर लिया तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। चार हमारे कवि हैं, लेखक हैं। अब इसमें आपको ये बताना है भैया कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण। तो अगर आपसे बताया जाए कि भैया इसमें से हमारे शुक्लोत्तर युग के कवि कौन है या लेखक कौन है, तो वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 21 देखो, अब हमारा थोड़ा व्याकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है राम राम कहीं राम, कहीं राम राम कहीं राम, ठीक है। और तुन पर है रघुवर विरा, राम राम सुरधाय। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें हमारा कौन सा रस है। तो इसमें देखो, अगर देखो विरह का मतलब होता है रोना, ठीक है, करुण रस, यानी कि इसमें हमारा शोक हो रहा है, मतलब इसमें चिंता, रो, ठीक है, जिसमें रोना धोना ये सब आए, किसी मनचाही चीज का नष्ट हो जाना, वो हमारा भैया करुण रस होता है। देखो आपका बोर्ड एग्जाम में हास्य रस या करुण रस ही आएगा। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, ठीक है, और करुण रस का मतलब होता है किसी मनचाही चीज का नष्ट हो जाना, शोक होना, क्योंकि हास्य रस का स्थायी भाव ही होता है हास्य, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इससे आप बता सकते हो ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, रूपासी तेरा घन केश पास, इसमें भैया अलंकार बताना है। रूपासी तेरा घन केश पास पास, इसमें आपको कौन सा अलंकार है। देखो अगला, यानी कि ऑप्शन है रूपक स्लेश उत्प्रेक्षा उपमा। देखो इसका मैं एक, देखो इसी क्वेश्चन के लिए छोटा सा ट्रिक समझ लेना कि भैया रूपासी तेरा घन केश पास पास में हमारा कौन सा अलंकार है। देखो इसमें क्या है, आगे रू लिखा ना, रू से रूपक, ठीक है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। देखो थोड़ा सा आप ट्रिक याद रखोगे, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं बोलोगे। देखो रू से रूपक, अगर रूपासी आ जाए तो ध्यान रखना कि रूपासी तेरा घन के पास, तो ध्यान रखना कि रू से रूपक अलंकार और रू से रूपासी, ठीक है। तो ये तो अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन 23, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, और विषय करुणा एन चिताई, जान की लखन तनु। इसमें आपको पंक्ति में कौन सा छंद है, चौपाई है, रोला है, सोठा है, दोहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमारा कौन सा छंद है, तो इसमें हमारा सोठा छंद है। कौन सा है? सोठा छंद है, ठीक है। अगला 24, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, इसमें हमारा कौन सा प्रयुक्त वाच्य है। तो देखो इसमें हमारा कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कोई तो इसमें एक निश्चित है, मतलब हमारा कि भाई आज निश्चित होकर सोया जाएगा। इसमें एक भाव उत्पन्न हो रहा है भाई, निश्चित होकर, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया से सोएंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये हमारा है भाववाच्य, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया 24 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आप लोग ध्यान से समझ। देखो परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाइए। परी आगे आपको परी लगाना है और सही शब्द बनाना है। परिपूर्ण, परामर्श, पुरुषोत्तम या फिर परीक्षण, ठीक है। तो परी आगे लगाओ, परी का मतलब होता है परिपूर्ण, आगे परी लगा हुआ है, देखो ये आगे, ठीक है, परी, तो ये हमारा परिपूर्ण हो जाएगा। अगला 26,
इसमें लिखा हुआ अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुचर, जिसमें अनुचर है ना भैया। देखो अनुचर में आपको बताना उपसर्ग क्या, देखो आपका उपसर्ग का टॉपिक है, प्रत्यय का टॉपिक तो कट गया है तो उपसर्ग ही पढ़ना है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग का मतलब होता है उसका, होता है आगे मतलब ऊपर मतलब आगे, इसका आप समझना ठीक है। तो आगे हमारा जो जुड़ा होता है वो उपसर्ग होता है, तो आगे हमारा अनु जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, एक उपसर्ग है ठीक है। यहाँ अन तो है नहीं, छोटा आ है, बट हमारा जो ये अनु है ये उपसर्ग है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनि अध अनि अनु है, अधि है, आ है ठीक है, ऐसे हमारे हैं, ग्रह तो है नहीं तो अनु हो जाएगा ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो माय डियर स्टूडेंट जो पंचवटी है, पंचवटी में हमारा कौन सा समास है, देखो पंचवटी क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें हमारा देखो इसमें एक चीज आया है अंक, पंच, पंच का मतलब होता है पांच, तो इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा ठीक है। अगर जैसे हमारा माता और पिता या श्लेष आए तो वो हमारा द्वंद्व होता है, इसमें दो होते हैं। जैसे यहां देखो गंगा यमुना, गंगा यमुना जो है का समास विग्रह है, तो गंगा यमुना का जो समास विग्रह है वो गंगा और यमुना है, क्या है, गंगा और यमुना है ठीक है। तो ये हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन, गंगा यमुना का क्या होगा, देखो यहां श्लेष लगा हुआ है तो अब गंगा और यमुना, ऐसे माता पिता आ जाए माता और पिता, भाई बहन आ जाए भाई और बहन ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बादल और शब्द के पर्यायवाची हैं, बादल, बादल का क्या होगा, पीलांग सस्य, अम्बुद प्रयोध, तरित चपला या वृष्टि बौछार। तो बादल जो है, बादल, बादल का होगा अम्बुद और प्रयोध, क्या होगा, अम्बुद और प्रयोध। तो ये हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, और हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा, ताभ्या तासु तावि तसाम। तो इसका होगा माय डियर स्टूडेंट तासु, क्या होगा, तासु। तो ये हमारा हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारे 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट क्लास में हिंदी का, जिसमें से आपके 30 में से आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता तो आप समझो 95% फिक्स है कि यहीं से आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा 3 स्टार वाले प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है। सबसे पहले आपको अभी मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया हूँ, आपको गद्यांश पद्यांश हिंदी संस्कृत गद्यांश हिंदी संस्कृत पद्यांश आपको सारी चीजें पढ़ाया जाएगा एक स्कोर करने का। तो ये हमारा एक गद्यांश है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अश्वारोही पास आया, जो अश्वारोही जो अश्व को यानी कि घोड़े को पर घोड़े पर था वो पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, जो ममता है उसने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहनशाह था या साधारण मुगल, ठीक है, उसको नहीं पता था कि वो एक सहनशाह था या फिर एक साधारण व्यक्ति, वो मुगल पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। तो ममता ने कहा कि मतलब मुझे नहीं पता कि वो एक सहनशाह था या फिर एक मुगल था, लेकिन एक दिन वो इसी झोपड़ी के नीचे रहा, जो ममता की झोपड़ी थी उसी के, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है, मतलब उसने सुना कि वो मेरी घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है और मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मतलब उसने परमिशन दिया कि इनका घर बनवा दो, बड़ा सा महल इस झोपड़ी में ना रहे, क्योंकि वो एक राजा था, एक सहनशाह था और उसके पास बहुत पैसे थे, ठीक है। तो भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया और मैं इसे छोड़ जाती हूँ, तुम इनका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम पर गृह में जाती हूँ। मतलब वो जो थी उनका जो है बहुत ही मतलब एक मरने की अवस्था थी, तो वो यही कह रही हैं आप इसका महल बनवाओ या मकान, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं, ठीक है। तो ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको तैयार ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स आपको फिक्स करना है तो आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, तो ये गद्यांश तैयार कर लेना। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, प्रस्तुत जो गद्यांश है, जो ये ऊपर दिया गया गद्यांश है, इसका संदर्भ लिखो। संदर्भ का मतलब है पाठ का नाम लिखना है माय डियर स्टूडेंट, पाठ का नाम और इसका जो लेखक है उसका नाम, लेखक
का नाम। ये दो चीज आपको लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, आपका संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो यहां से यहां तक रेखांकित अंश है, देखो यहां बड़ा रेखांकित अंश है, यहां से लास्ट तक। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। ममता आजीवन भयभीत क्यों रही, ममता जो है वो आजीवन भयभीत क्यों रही, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा, मतलब 2+2+2 यानी कि 6 मार्क्स का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका 6 मार्क्स क्लियर करने के लिए। देखो बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये 6 मार्क्स का आता ही है, सभी को पता है, आप पेपर देख सकते हो, मैंने वीडियो बना दिया है कि आपका पेपर कैसा आएगा, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, लेकिन इससे पहले ये आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है, इसका लेखक कौन है। तो इसमें डायरेक्टली भैया ममता लिखा हुआ है, डायरेक्टली ममता, तो ये समझ जाना है ममता लिखा हुआ है, तो ममता पार्ट से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग संदर्भ सबसे पहले लिखो, संदर्भ लिखने का एक तरीका भी होता है, ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली पाठ का नाम डाल के लेखक का नाम डाल के लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक तरीके से लिखोगे तो आपको नंबर फुल मिलने का चांस होता है। संदर्भ हेडिंग डाल देना, फिर आपको लिखना है जो प्रस्तुत गद्यांश है, जो आपका गद्यांश दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब ये जो है हिंदी है ना, तो ब्लैक से आप लोग डालना हेडिंग हिंदी, हिंदी। ठीक है, हिंदी के गद्य खंड, गद्य खंड है, ठीक है, में संकलित, गद्यखंड में ये संकलित है ना, में संकलित। अब ये जो है इस चैप्टर का नाम है ममता, क्या नाम है? ममता नामक कहानी से, इस चैप्टर का नाम है ममता नामक कहानी से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक, लेखक कौन है? छायावाद युग के प्रावर्तक इन्हें माना जाता है। ठीक है, छायावाद युग के प्रावर्तक माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी, प्रावर्तक जो हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। श्री जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा संदर्भ। सबसे पहले आपको संदर्भ ही लिखना रहता है 2 मार्क्स क्लियर करने के लिए बिल्कुल से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संदर्भ। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले इसको ध्यान से पढ़ना, जो रेखांकित अंश है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो रेखांकित अंश का मतलब, जो रेखांकित अंश है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो बस, और उसको अपने तरीके से समझा दो, कि अपने तरीके से अपनी कहानी की तरह समझा दो, यार नंबर भर भर के मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है एग्जामिनर। तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है। तो अब आप लोग हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या डालोगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है कि इसमें आप लोग लिखना, श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा, जो ममता थी, ठीक है, उसने जो अश्वारोही है उसको बुलाकर उसने कहा, या कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था, मतलब उसने आदेश दिया था हमारे जो घर है उसको बनवाने का, तो उसने क्या किया था, नव निर्माण, मतलब घर का नवा निर्माण करने के लिए आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था, और मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं इस मामूली सी झोपड़ी से भी बेघर ना हो जाऊं।
तो उसको ये डर था कि कहीं मैं इस झोपड़ी से बेघर ना हो जाऊं और हमारे पास कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना बचे रहने के लिए। इससे वो पूरी जिंदगी चिंतित रही, उनको एक चिंता सता रहा था, ठीक है। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर से बचा लिया। जब तक मैं जीवित थी तब तक मेरे घर पर कोई असर नहीं पड़ा, मुझे बचा लिया और आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ अर्थात अब मैं, मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया। मतलब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया, मतलब जो मरने का समय निकट आ गया। अब तुम यहाँ पर मकान बनवाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं। अब तुम इसे खोदो और उस पर मकान बनवाओ या महल बनवाओ, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं उस घर जा रही हूँ जहाँ अंततः काल का विश्राम होता है। अब मैं उस घर जा रही हूँ जहाँ अंतकाल का विश्वास होता, अनंत काल का तक विश्राम होता है, जहाँ लास्ट में सबको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो क्वेश्चन। देखो, पहला तो हमारा हो गया भैया संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा ममता आजीवन भयभीत क्यों रही। ये तो बहुत आसान है भाई, पढ़ा है आपने, उसकी झोपड़ी खोदे जाने के लिए वो भयभीत थी। तो ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उनकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उससे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत रही। वो अपने निवास स्थल जो झोपड़ी है उसे ना खोदे जाने, अगर खोदा जाए तो उसी के लिए भयभीत थी, ठीक है। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। देखो, मैं आपको डेली एक या दो दिन में एक गद्यांश एक पद्यांश सॉल्व कराता रहता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा अच्छे से पूरे दिन, पूरे एक से दो महीने के लिए जुड़ जाओ। एक से दो गद्यांश अगर मैं हफ्ते में दो दिन सॉल्व कराऊंगा तो आपका दो गद्यांश एक हफ्ते में और दो पद्यांश हो जाएगा। अभी मैंने दो दिन पहले ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश सॉल्व कराया, जो कि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है इस टाइप का, जो कि मित्रता पाठ से था, ठीक है। तो आज मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व करा दिया। ऐसे ही हम लोग एक महीने में इतने सारे गद्यांश पद्यांश देख लेंगे कि आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट गद्यांश है। तो आई होप कि आपको ये गद्यांश बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप लोग इसको तैयार भी कर लोगे। तो अगला हम लोग देखते हैं एक पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो है वो हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश, एक गद्यांश हम लोगों ने देख लिया, आपको तीन क्वेश्चंस भी समझा दिया, ठीक है। अब एक पद्यांश भी देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा क्वेश्चंस भी समझा देंगे, ताकि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट रहे, ठीक है। लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सुफिर ना घटे वर समूल कहुलाए, ठीक है। ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आपके बुक में है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे तीन क्वेश्चन पूछेगा। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, ये दो मार्क्स आपको देगा। दूसरा क्वेश्चन है, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, दो मार्क्स। और संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, दो मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे दो 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 यानी कि छः मार्क्स क्लियर हो जाएंगे अगर ये आप लोग कंप्लीट करोगे तो, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है वो बिहारी जी की एक पाठ है आप में, वो कौन सा है कि भक्ति नीति, लेकिन भक्ति का जो शीर्षक है वो अलग है और नीति का शीर्षक अलग है। तो भक्ति में अलग है आपके पद्यांश और नीति में अलग है। तो ये नीति शीर्षक से है, किससे है, नीति शीर्षक से। तो भक्ति में आप लोग भक्ति शीर्षक लिखना, ठीक है, और नीति में आप लोग नीति शीर्षक लिखना, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, या फिर आप डायरेक्टली भक्ति नीति लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तीन क्वेश्चन रहेगा, संपत सलिल में कौन सा अलंकार है, ये तो सबको पता है, साथ साथ दो बार आया है तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीन क्वेश्चन और ये आपको समझ में आया। सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे संदर्भ, ठीक है, रेफरेंस यानी कि संदर्भ। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले किस चैप्टर से है, बिहारी लाल जी, इसके रचनाकार है, रचयिता है, और ये जो है ये नीति शीर्षक से है। तो ये एक दोहा है, तो लिखना प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी, कविवर, और ये जो है बिहारी लाल जी हैं इसके, कविवर बिहारी लाल
ठीक है, द्वारा रचित। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, जो ब्लैक से लिख रहा हूं उसको ब्लैक से लिखना, ये जितना हाईलाइट रहेगा उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना, हिंदी के ये पद्य खंड या काव्य खंड लिख सकते हो, ठीक है, काव्य खंड में संकलित नीति। क्या है ये? नीति शीर्षक से, मैंने बताया कि भक्ति अलग है, नीति अलग है, शीर्षक से उद्गृत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों संदर्भ। सबसे पहले हमने आपको संदर्भ लिखना समझा दिया। अगर ऐसा लिखोगे दो मार्क्स आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब हम लोग व्याख्या, लेकिन इसके साथ व्याख्या भी होता है, जब दोनों लिखोगे तब आपको दो मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो देखो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे वरु समूल कहुलाए। ये तो बहुत आसान सा है। देखो, कवि का कहना है या कवि का कथन है कि धन रूपी जल, धन की तुलना जल से की गई है, ठीक है। बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल, कमल की तुलना मन से की गई है, मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। अगर आपके पास जितना ज्यादा धन बढ़ता जाएगा वैसे आपका मन भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। पहले आप छोटे से होटल में खाते हो, फिर आपके पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है तो आप बड़े बड़े होटल में जाते हो जहां का बिल केवल 5-5 हज़ार रहेगा, और पहले आप 50-100 रुपए में खा लेते थे। तो वही कह रहा है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। अगर पानी में जल के साथ कमल बढ़ता चला जाता है तो फिर जब जल सूखा पड़ता है, घट जाता है, तो वो जो कमल है वो छोटा नहीं हो जाता। वैसे जब धन कम हो जाता है तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती, उतना ही रहती हैं, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ इच्छाएं नहीं घटती। तभी परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख के मारे के समान हो जाता है। बस इतना सा आपको व्याख्या करना है, व्याख्या में कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया, अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, काफी आसान है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा लास्ट तक। फिर आपका पूछ रहा है यहां कि कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, दूसरा क्वेश्चन यह है, तीसरा संपत्ति सलिलु में कौन सा अलंकार है। तो आ जाओ हम आपको एक एक को समझाते हैं। देखो, कमल का उदाहरण मैं आपको एक एक को अच्छे से समझाता हूं, एक एक चीज को हम समझाएंगे, ठीक है। देखो, दूसरा पूछ रहा है, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन पे नियंत्रण करना चाहिए। अगर आपका धन बढ़ जाए तो मन को ज्यादा मत बढ़ाओ, वरना जब धन घट जाएगा तो मन पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है, धन ना रहने पर अपनी पैतृक संपत्ति भी बेचकर आप अपने मन को शांत करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ये सारी लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ से कंपेयर डायरेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी बात बताई है जो बिहारी लाल जी ने इस पर, तो ये सब एक एक पॉइंट बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें आपका कौन सा अलंकार है, देखो इसमें एक ही वर्ड, एक ही अक्षर की आवृत्ति दो बार हुई है, कई बार जैसे कह सकते हो, संपत्ति सलिलु। अगर एक ही अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, बस इतना सा आपको समझना है। तो ये पद्यांश आपको समझ में आ गया, और जो मैंने एक गद्यांश बताया है वो भी समझ में आ गया,
क्योंकि गद्यांश और पद्यांश उन दोनों को हमने ऐसा समझाया है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने आपको, अगर आपको ना समझ में आया हो, वीडियो को एक बार और देख लो, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा आता है जो संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। 2014 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, 19 में आया है, 22 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, तो 2024 में भी आएगा, कोई नहीं रोक सकता ना, क्योंकि जो आता है वो आएगा। इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा गद्यांश संस्कृत का। देखो लिखा हुआ है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीलः वर्धते, मानव जीवनम संस्कृतम एषः यथा समया नवम नवम विचारणम स्वीकृत, नवम संस्कृति नवम शक्ति ठीक है चह प्रशोतित, अत्र दुराग्रह नस्ति यत युक्त युक्त कल्याणकारी चह तदत्र सहस्त्र गृहतः भवति, ठीक है। एतस्यः गतिशीलः रहस्यं मानव जीवनस्य संस्कृत्यां निहितं तद् यथा एंड संस्कृतम एंड सत्य प्रतिष्ठा सर्व भूतेषु संभवः विचारणेषु औरतम आचार्य दृढ़ता चेति। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जितना ज्यादा आपके लिए जीने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा है संस्कृत में ये गद्यांश इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इस गद्यांश को सॉल्व करने के लिए इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। जब तक अर्थ नहीं पता रहेगा तब तक आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, और ये कहेगा भी कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले चैप्टर को पढ़ो फटाफट से ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो जाए, और हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट तो सारा करा ही रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट अभी करा देंगे दिमाग में फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं इसे आपके दिमाग से बाहर ले जा पाएगा, लेकिन और भी तो पढ़ना है तो सारे को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, फिर आपको प्रसंग, फिर व्याख्या। इस अपना संदर्भ प्रसंग व्याख्या सारे को लिख दियो भैया, 5 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें संदर्भ में कुछ नहीं होता, इसमें आपका केवल चैप्टर का नाम होता है, कोई लेखक कवि नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। तो संदर्भ भाव हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक अब यहां आप हिंदी लिखो, ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड, किससे, संस्कृत खंड, ठीक है, के अब इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति, क्या नाम है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, बस ये आपका हो गया संदर्भ। प्रसंग में यही लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है, बस ये हो गया प्रसंग। अब व्याख्या तो आपको यहां देखो, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है या रही है। अस्माकम मतलब हमारी संस्कृति, मतलब संस्कृति सदा मतलब हमेशा, गतिशीला मतलब गतिशील, वर्धते मतलब रही है, हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय अनुसार नई नई विचार को स्वीकार कर लेती है। यहां देखो मानव जीवनस मतलब होता है मानव का जीवन, ठीक है, संस्कृतम, ठीक है, देखो संस्कृतम ऐसा यथा यथा नवम विचारणम, यहां देखो अब ध्यान से, यहां मैं आपको पूरा समझा देता हूं। देखो मानव जीवन जो होता है, मानव जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मानव जीवन, तो मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, मतलब जो हमारा मानव जीवन होता है उसको शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचार जो नई नई चीजों को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त कर लेती है, और इससे दुराग्रह नहीं है जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला हो, ठीक है, वह हमें इससे हर्ष सहित ग्रहण कर किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, एंड जैसे कि सत्य का सम्मान एंड सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, भाव विचारों से उदारता और आचरण में दृढ़ता, बस ये हो गया व्याख्या। इतना अगर आप देखो, एक भी पेज नहीं है माय डियर स्टूडेंट, और इतना आप लिख दोगे 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, 1%
ठीक है, तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है, बस आपका हो गया नंबर क्लियर। तो मैं आप लोगों को वो आज बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कब कब आया हुआ है ताकि आप लोग समझ जाओ। 2017 में आया है, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2023 में, ये इतनी बार आया हुआ है, ठीक है। और ये आप लोगों को पढ़ना ही है। तो लिखा हुआ है किम नोहित्वा प्रियो भवन्ति, किन नोहित्वा ना सोचति, और क्यों ना हित्वा यथार्थ भवति, और क्यों ना हित्वा सुखी भवेत। मानवा हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा ना सोचति, कामो हित्वा भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेति। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, और ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ तो इसका कुछ नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि ये जीवन सूत्राणि चैप्टर से लिया गया है, और आप लोगों को इसको ध्यान से समझना, और एक और आप लोग कंप्लीट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदा दुग्भागा भवेत्। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, तो आपसे रिक्वेस्ट है वो भी तैयार कर लेना, और ये तो अभी आपका तैयार हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात करते हैं, तो संदर्भ में क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है कि ये पाठ का नाम अगर पता है तो आप लिख दो, इसमें लेखक कवि कुछ होते ही नहीं है, आराम से लिखो। देखो इसमें लिखो भैया प्रस्तुत श्लोक, ये एक श्लोक है, क्या है, यह पद्यांश है, श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी है ना, हिंदी के संस्कृत खंड, तो हिंदी के संस्कृत खंड, संस्कृत खंड, ठीक है, संस्कृत खंड के चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट जीवन सूत्राणि। क्या नाम है, जीवन सूत्राणि, बस पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट संदर्भ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको समझना था चैप्टर का नाम बस, ठीक है। और तो लॉजिक वही है, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, बस। अब देखो प्रसंग में क्या है कि इन श्लोक के विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। जैसे यक्ष युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि यक्ष क्या पूछते हैं, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, अगर एक आदमी है वो किस चीज को अगर त्याग दे तो वो प्रिय हो जाता है, ठीक है। फिर पूछता है कि मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य जो है वो किस चीज को छोड़ दे तो वो शोक नहीं करता, शोक का मतलब होता है उदास नहीं रहता, और मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, अगर मनुष्य जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको छोड़ दे तो वो धनवान हो जाता है, और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। ये यक्ष ने 4 से 5 क्वेश्चन किए थे युधिष्ठिर से, तो पहले तो क्वेश्चन कर लिया, फिर युधिष्ठिर ने थोड़ा सा माइंड को अपने दौड़ाया और फिर बताया क्या। देखो युधिष्ठिर ने क्या कहा, मनुष्य अगर अहंकार को छोड़ दे तो प्रिय हो जाता है, अगर मनुष्य जो है वो अपना अहंकार, अहंकार का मतलब होता है घमंड, अगर छोड़ दे तो प्रिय हो जाता है, अगर वो किसी से घमंड ना करे, किसी की बुराई ना करे और किसी के बारे में गलत ना कहे तो वो सबके लिए प्रिय होगा, ठीक है, समझना। एंड अगर मनुष्य क्रोध को छोड़ दे तो शोक नहीं करता, अगर मनुष्य को क्रोध ना आए तो उसको शोक आ ही नहीं सकता, अगर उसको क्रोध ना आए तो कैसे शोक आएगा, ठीक है। और मनुष्य अगर इच्छा को त्याग दे, इच्छा जो उसकी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं उनकी इच्छा होती है कि दुनिया का सब कुछ हमारे पास हो तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन अगर मनुष्य इच्छा को छोड़ दे तो वो धनवान हो जाता है, अगर उसके पास इच्छा ना हो, इतना बड़ी इच्छा ना हो तो वो धनवान हमेशा रहेगा, मन से वो धनवान रहेगा, लोग चाहे जो सोचे लेकिन वो धनवान रहेगा, वो अपने आप में एक धनवान इंसान रहेगा, ठीक है। एंड मनुष्य लोभ को छोड़ दे तो वो सुखी हो जाता है, मनुष्य जो लोभ है या दुनिया की मोह माया है अगर उसे त्याग दे तो वो सुखी हो जाता है, वो कभी भी निराश नहीं रहेगा,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश। अब देखो मैं आपको निबंध सॉरी श्लोक बताते हैं। श्लोक देखो, सबसे पहले श्लोक समझ लो। श्लोक, ये दोनों श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका आप लोग क्या याद कर लेना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक श्लोक है जो दो नंबर का आता है। तो श्लोक मैं दो बता देता हूं, तैयार कर लो। पहला, बंधनम मरणम यपि जयो यपि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावे ही वीरता। ये हमारा पहला श्लोक है और आप लोग तैयार कर लो फटाफट। एंड दूसरा जो हमारा है वो है, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदा दुर्भागा भवेत्। ये दो श्लोक आप तुरंत तैयार करो, दो तीन बार पढ़ो वीडियो को देखकर और आपको तैयार हो जाएगा। जो चीजें फिक्स है मैं फिक्स करा देता हूं और आप लोग उसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो श्लोक कंप्लीट हो गया, गद्यांश कंप्लीट हो गया, पद्यांश कंप्लीट हो गया, संस्कृत का गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, श्लोक भी हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, अब कुछ भी आए आप कराओगे, ठीक है। अब देखो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की ओर आते हैं। देखो जीवन परिचय का लॉजिक समझो, इसमें कुछ होता नहीं है, दो तीन पॉइंट याद करो, आपको जीवन परिचय बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, तो वो होगा मेरे दोस्त। देखो सबसे पहले आप जीवन परिचय को तैयार करने के लिए नाम तो आपको पता ही रहेगा, बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिया रहेगा, चाहे जयशंकर प्रसाद का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, चाहे सूरदास का, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का, किसी का भी आए। लेकिन आप पहला तैयार कर लेना उनका, भैया जन्म कब हुआ, ये सेकंड आप पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, इन दोनों का तैयार कर लो, पिता का नाम और कभी कभी माता का नाम नहीं भी रहता है, बट अगर आपको पता है तो तैयार कर लो, ठीक है, माता का नाम। एंड फिर इनकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा सा तैयार कर लो, कैसे हुई, घर पर हुई, देखो ज़्यादातर, और बीच में ये जरूर भर देना, ठीक है, क्या कि इन्हें हिंदी उर्दू फारसी इंग्लिश सबका ज्ञान था, ये सब में लिखा रहता है, भले ही ज्ञान ना हो बट लिखा रहता है, ठीक है। तो ये बीच में भर देना। फिर आपको इनका थोड़ा सा पुरस्कार तैयार कर लेना, भैया इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, बस लास्ट में आप मृत्यु लिख दो बस, भाई अगर पाँच नंबर का है चार नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और जो बिल्कुल अच्छे से लिखता है उसे पाँच में पाँच नहीं मिलता, साढ़े चार मिलता है, तो आप इतना लिखना आपको कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला गद्य में जो हमारा गद्य खंड है उसका, तो गद्य खंड में हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। गद्य खंड में पांच नंबर आपका क्लियर करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लो और जयशंकर प्रसाद जी का रचनाएं भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भैया एक रचना लिखना पड़ता है तो रचनाएं भी पढ़ लेना, ठीक है। तो जीवन परिचय में आपको दो जीवन परिचय गद्य में पढ़ना है, तीन जीवन परिचय पद्य में, पहला सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास जी का, तीसरा महादेवी वर्मा का, ये तीन जीवन परिचय आपको पद्य में पढ़ना है। तो गद्य और पद्य मिलाकर कुल मिला के पांच जीवन परिचय पढ़ना है और पांच जीवन परिचय आपको कितने नंबर देकर जाएंगे, दस नंबर, और पांच में से दो ही लिखना है और दो मैं बता दूं जो एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा, देख लेना, पहला आपको ये आएगा, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं ये आएगा 100%, और दूसरा भैया ये आएगा एग्जैक्ट, जाओ और बोर्ड एग्जाम का पेपर देने के बाद देख लेना, ठीक है, ये एग्जैक्ट बता रहे हैं कि आएगा, ठीक है, तो दोनों को बिल्कुल पक्का कर लो। अब देखो अब बात आ गई है आगे की, तो आगे हम लोग करेंगे पूरा। देखो अब आता है माय डियर स्टूडेंट यहां एक निबंध, निबंध मैं आपको पांच ऐसे निबंध बताता हूं जो जाओ बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओ, नहीं काट पाएगा कोई आपका नंबर और आप बन जाओगे बादशाह। देखो पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बोर्ड एग्जाम में आएगा और आएगा, ठीक है। दूसरा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी आएगा बट थोड़ा सा कम चांस है। आतंकवाद का कारण तथा निवारण, ये भी आएगा। चंद्रयान पर निबंध, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बताओ हाउ टू राइट चंद्रयान एसे, तो उसको बता देंगे, अभी आपके बुक में नहीं है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। जनसंख्या वृद्धि का कारण तथा निवारण, ये भी। तो पांच ही निबंध बता रहे हैं और कंप्लीट और भी कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन पांच निबंध आपका सात नंबर, सात मार्क्स क्लियर करा देगा। तो ये पांच निबंध है, ठीक है, तो ये आपको